अर्ज करते हैं, अब वो हम आपसे कुछ तलब करना चाहते हैं। ओए शर्म नहीं आती प्राय औरतों से वो करते हुए? वो क्या? वो जो तुम कर रहे हैं अभी। जी हम तो चीनी तलब करना चाहते थे, आपके पास चीनी है? चीनी नहीं, पाकिस्तानी है और उनका नाम इश्फाक है। जी हम उस चीनी की बात कर रहे हैं जो चाय में डालते हैं, शक्कर शक्कर। वो अपने डब्बे में से थोड़ी सी दे दीजिए, हमने जोजी बेगम को चाय बनाकर देनी है। खबरदार जो हमारे डब्बे में से कुछ लिया फकीर ना हो तो। आपने हमें डायरेक्ट फकीर ही कह दिया, ये कितनी सी चीनी ही तो मांगी हमने। मेरा बस चले ना तो मैं कोजी की चाय में वो डाल दूं। वो क्या, जहर? नहीं नहीं, वो तो आपका दिल चाहता होगा ना डालने का, मैं तो नमक की बात कर रही हूँ। वो मिलाने से क्या होगा, उल्टा हमें ही डांट पड़ेगी। जहर होता तो एक ही बार काम तमाम हो जाता, शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है। हाय मुस्तकीम, मुस्तकीम जी आ रहे हैं। जी बल्कि आ ही गए हैं, आधा वर्ष करते हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ मुस्तकीम। हमारा? ओए तुम्हारा नहीं, चाय का। खैर चाय तो बन ना पाई, बहुत मुश्किल हो गया। क्यों, तुम्हें पता नहीं है चाय ना पियूं तो मेरी सवेर नहीं होती। बेगम चीनी खत्म हो चुकी। वो खत्म हो गई है तो ऊपर वालों के डब्बे से निकाल लो। भाई मुमताज बहन से चीनी मांगी थी मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि कुछ बदतमीजी भी कर दी आपकी शान में। उससे तो मैं बाद में देखूंगी। एक काम करो मुस्तकीम, यही कहीं आस पड़ोस से ना चीनी मांग के ले आओ। अरे बेगम कुछ पैसे अनायत कर देती तो हम बाजार से भाग के ले आते हैं, खामखा जगह जगह मांगने से बेइज्जती होती है। तो इसमें बुराई क्या है, पड़ोसी होते किस लिए है? अगर जरूरत पड़ने पे बंदा उनसे चीनी पत्ती दूध टमाटर धनिया पुदरा ना मांग सके। जी कोशिश किए लेते हैं मगर एक बार से ज्यादा मांगेंगे नहीं हम। ओए अच्छा अच्छा चल जा लेके जाओ और कटोरा बड़ा लेके जाए। बाल्टी ले जाए बाल्टी, सर्दी लगना शुरू होगी, एडी ठंडी जुगत मारी है सवेरे सवेरे। जी 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 बेगम जी। और सुनो जा ही रहे हो तो थोड़ा सा दूध भी ले। अरे चाय के लिए तो दूध पड़ा हुआ घर में बेगम। ओए चाय के लिए नहीं, मेरा जरा दिल कर रहा है, बदहजमी हो रही है, दूध सोडा पीना है मैंने लंच के बाद। अरे जैसे आपकी मर्जी और जो आपका हुक्म। गल सुनी मुस्तकीम, ओ दो अंडे भी लाए, आज आमलेट खाऊंगी मैं। अरे जोजी बेगम 25-30 रुपए का एक अंडा हो गया। ओहो इतने बड़े बंगले कोठियों वाले दो अंडे तो दे देंगे ना, केड़ा मौत आ जाएगी। जाओ दे दिए तो ठीक है, मैं तल के खा लूंगी, नहीं तो फिर कल वाले नान है ना गिल्ले करके वो देसी घ्यो लगा के बना देना। अब तो खड़े क्यों हो? अरे जा तो रहे हैं, हर बार आप ही रोक लेती हैं हमें। अच्छा जा जा। हाय रब्बा रैणा नु की पता किड्डी महंगाई हो गई है, तौबा तौबा किस तरह गुजारा होएगा। या अल्लाह अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। जी हम मुस्तकीम आधा वर्ष करते हैं। भले करें, हमें कुछ नहीं खरीदना। जी हम खरीदने नहीं, कुछ मांगने आए हैं कुछ। अरे भाई हम चंदा नहीं दे सकते, अगर मेरे शोहर होते तो। ओहो भाई नहायत अफसोस हुआ, कब इंतकाल हुआ उनका? अरे भाई वो जिंदा है। जिंदा है वो क्यों? मैं तो ये कह रही थी अगर वो यहाँ होते ना धक्के दे के बाहर निकालते, मुझे तो सुबह शाम पड़ते। क्या कोड़े? नहीं नहीं धक्के, बड़ा जुल्म करते हैं मुझ पर, उनका बस चले ना तो मुझे कोड़े भी मारते। अरे आप तो बहुत अजियत में है। हाँ मैं बहुत अजियत में हूँ, नए जूते लिए ना काट रहे। अरे हम जूते की नहीं शौहर की बात कर रहे हैं, शौहर की। या अल्लाह मैं कितनी बावली हूँ, पराए मर्द से अपने शौहर की बुराइयाँ कर रही हूँ। है कौन आप? अभी तो अर्ज किया कि हम मुस्तकीम हैं, मुस्तकीम। अरे भाई कौन मुस्तकीम? जी हम आपके पड़ोसी हैं, नए पड़ोसी, ये साथ वाले घर में आए हैं, बस थोड़ी सी चीनी मांगने आए थे। अच्छा ये साथ वाले घर में आया ना, क्या सेब बसते थे। अरे भाई हमसे बड़ा सेब कौन होगा, वैसे ये सब अफवाह है कि यहाँ सेब है और ये है वो है। ऐसा कीजिए अपना कटोरा ये मुझे दे दीजिए, मैं चीनी खुद आपके घर ले आऊंगी, इस तरह आपके घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा कटोरा जो है ना ये जरा लबा लब भरवा आपने कि चीनी गिर रही हो साइडों पे। आप बड़े प्रोफेशनल लगते हैं मुझे। आधा वर्ष करते हैं, आइए जल्दी तशरीफ ले आइएगा। आप जाइए धीरे धीरे जाइए, गिर ना जाइएगा कहीं। ओहो ओए मुस्तकीम खाली हाथ आ गया, तू तो चीनी लेने गया से। अजी चीनी वो लेके आ रही हैं हमारी प्यारी पड़ोसन। प्यारी पड़ोसन? अरे जोजी बेगम हमारी नई पड़ोसन भाई निहायत ही अच्छी खातून है मगर खासी दुखी भी है। ना इक्को मुलाकात में तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो दुखी है? जी हमने उनकी आंखें पढ़ ली, इस कदर उसमें दर्द था, इस कदर दर्द था, इस कदर दर्द था कि आप सोच नहीं सकते। उसे अशुभ चश्म तो नहीं था जो तुम्हें दुख नजर आ गया? बेगम
हम दिल के दर्द की बात कर रहे हैं। ओए एक चीनी लेने क्या भेजा है तुम्हें मैंने? तुम तो पराई औरतों के दिल तक ही लैंड कर गए हो। अरे जाजी बेगम, अरे आप गलत समझ रही हैं। वो तो बहुत ही अच्छी खातून है। और बड़ी अच्छी खातून है, एक चीनी तक तो दी नहीं, अभी तरखा के भेज दिया। अरे बेगम, उन्होंने फरमाया कि हम खुद चीनी लेकर आएंगे और इसी बहाने घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। वो बहुत खुश हो रही थी कि बहुत अच्छे लोग आ गए हमारे पड़ोस में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो रोज चीनी पत्ती दूध शुद्ध मांग लिया करेंगे। मैं तो कहनी आंडी पकान वास्ते ना 2 घंटे और 2 प्याज भी मांग लिया करेंगे, क्योंकि अच्छे पड़ोसी तो बड़ी नेमत होते हैं। बेशक बेशक, बजा इरशाद बजा इरशाद। यार नबील, मैं सोच रहा हूँ कि जरा मोहल्ले का चक्कर लगा के जरा इलाके की छानबीन करूँ। क्यों मामू साहब, आप इस मोहल्ले में नए चौकीदार लगे? अरे तुम्हें इतना हैंडसम आदमी चौकीदार लग रहा है? ओए अब खुदा का वास्ता महमूद साहब, इस इलाके में लव लेटर मत लिखिएगा छोरे किस्म के खवातीन को। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था नबील कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की कुछ मालूमात तो होनी चाहिए ना। अच्छा तो फिर एक बात है, वो सारी मालूमात आप मुझसे शेयर करेंगे? अरे नबील, अरे ये मटकोसी औरत कौन हमारे घर में डायरेक्ट घुसे चली आ रही है? मैं मुसा हमसाई होंगी, सलाम दुआ के लिए आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या नए शिफ्ट हुए? आप इतने भी नए नहीं, मैं हूँ नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला, और ये बड़ी उम्र वाले बड़े मुंह वाले महमूद साहब हैं। आप कौन? मैं आपकी नई पड़ोसन रक्षी। जरूर आप हमारे लिए ना कोई मीठा लेकर आई हैं। लाइए मुझे दीजिए, मैं चख के बताता हूँ। नहीं नहीं, ये तो चीनी है। लगता है आप भी हमारी तरह ना कुछ सुस्त हैं। कम से कम खीर तो बना के लाती, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम चीनी ले लेते हैं, मीठा खुद बना लेंगे। नहीं नहीं, ये तो मुस्तकीम साहब के लिए ना, थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ मांगने आए थे वो। हाथ धोती है यार नबील, अरे ये मुस्तकीम साहब ने नए मोहल्ले में भी कार्रवाइयाँ डालनी शुरू कर दी है। अरे कुछ हमारी इज्जत का ख्याल रखते यार। अच्छा, ये पिछले महल्ले में भी ऐसे ही थे? अरे इससे भी बुरे थे रक्षी बाजी, घर घर जाके चीनी पत्ती दूध और शैम्पू, इवन फरनाइल तक मांगते थे। भाई बड़े ही मंगते किस्म के लोग हैं, आप जरा बच के रहिएगा। हाँ, खास तौर पे मुस्तकीम साहब से उन्हें मुंह लगाने की जरा भी जरूरत नहीं है। शुक्र है आपने मुझे बता दिया, वरना इतने बुरे लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है। मैंने तो अपने दुख सुख भी बता दिए उनको। कौन से दुख सुख, आप मुझे बताएं? क्यों, तुम कोई एनजीओ चलाते हो? मेरे शौहर ने मुझसे बहुत बेवफाई की है, मुझ जैसी खूबसूरत प्यारी बीवी वफादार, उसके बावजूद मुझसे बेवफाइयां की हैं। अब उनका चट्टा बट्टा मैं क्या करूं, उनका दिल इधर उधर फुदकता फिरता। बस शिवा जी बस, महमूद साहब जैसे मर्दों की वजह से मुझ जैसे अच्छे मर्द भी खाम खा बदनाम हो जाते हैं। नबील, नहीं नहीं नहीं, आप रोइए मत, आप रोना बंद करें। मैं किसी भी खातून की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। चलिए ऐसा कीजिए, इस महीने का किराया दे दीजिए। आपके दिल में जो हो रहा था वो कुछ कुछ था, अब नहीं हो रहा। बस मैं ये चीनी अंदर जाके दे दूं, वरना यही खड़े खड़े थक जाऊंगी मैं। जी 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 जी, दीजिए चीनी। अरे कितनी ड्रामा हो रहा था, अभी तो टसमे बाहर ही थी, अभी मैं चीनी दे आऊं। पूरा चीनी फड़ लेते, तुम्हें पता है चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। भाई लवाजमात इकट्ठे हो जाए तो चंद सेकंड में चाय आ जाएगी। आ लीजिए, वो आई गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बड़ी उम्र पाई आपने, इनसे मिलिए, ये है जोजी बेगम। अरे ये तो कहीं से भी मंगती नहीं लग रही। मंगती? किसने कहा है कि मैं मंगती हूँ? अकीन मानिए, हमने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अरे भाई इन्होंने नहीं बताया, वो नबील और महमूद साहब ने बताया कि आप लोग मंगते किस्म के लोग हैं। लेकिन आप तो खानदानी लग रही है, बल्कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका बड़ा ऊंचा घराना है। हाँ जी, बड़ा ऊंचा वड्डा घराना है हमारा, सही पहचान है आपने। आप खलौती क्यों, थक जाएंगी, बैठे। थैंक यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई हमें तो आपसे भी ज्यादा खुशी हो रही है। तुम क्यों बैठे हो, जाओ जाके चाह बनाओ, कमजोर कहीं के। अरे बेगम, इतनी मेहनत तो हम करते हैं दिन रात आपके लिए। तो कोई एहसान नहीं करते, और वैसे भी जनानियों की गुफ्तो शनीद में तुम्हारा क्या काम है? जाओ चाय बनाओ, चीनी लेके जाए। जी जो हुक्म, जो हुक्म। छेती छेती छेती। ओहो, फ्रेम आउट हो, छेती छेती। शुगर हो जाएगी आपको। अच्छा
और क्या कहा है नबील और महमूद ने, जरा छेती बताएं। भाई बड़ा कंट्रोल करके आपको बताना पड़ रहा है, इतनी बुराई की है कि मैं बता नहीं सकती, मगर आपको मिलके पता चला है, आप तो बड़ी खानदानी और। वो ये मेरे किराएदार हैं, मेरे ही घर में रहते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, जीना अजाब किया हुआ है इन्होंने मेरा, तौबा तौबा। एक तो किराया नहीं देते, ऊपर से हर आने जाने वाले के सामने मेरी बुराइयां करते हैं, बड़े ही कोई कटिया किस्म के लोग हैं। और दोनों की बीवियां बड़ी तेज पटाका हैं, पटाका, बच के रहना इनसे आप। अरे उनकी बीवियां भी हैं, मुझे उनसे जरूर मिलना है भाई। हाँ हाँ जरूर मिले जाके, बड़ी तेज तरार औरतें हैं, पर कुछ गल्ले मैं आपको समझा दूं जिनका आपने ख्याल रखना है। माँ जी प्लीज यार खाना बना दे, फिर महमूद साहब और नबील आ जाएंगे भूख भूख करते हुए। बात सुन, वो भूख भूख करते आए या पी पाप मुंह करते आए, मैंने नहीं खाना खाना बस। माँ जी आज आपकी बारी है खाना बनाने की। चुप है, सास की कोई बारी वारी नहीं होती, बल्कि वो तो बारियां लगाती है। This is not fair, माँ जी। You shut up. Why you would you text the outside? What I'm going to tell it? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको जो आप मुझे shut up कह रही हैं? क्या हो गया माँ जी? तौबा तौबा, कितनी बदतमीज बहू है तुम्हारी, कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारे सामने। बड़ी बदतमीज बहू है, घर के सारे काम मुझसे कराती है। अरे भैया मेरी सास जब तक जिंदा थी ना, पाँव का नाखून तक नहीं हिलाती थी। ना क्यों, फॉलोज था उनको? अरे नहीं, वो तो घर की मलका बनी रहती थी। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मैं रक्षी हूँ ना, आपके पड़ोसन। हाँ तो पड़ोस में ही रहे जाके, किसी के पर्सनल मैटर्स में बोलना अच्छी बात नहीं होती। अरे पड़ोसियों के बीच में पर्सनल कैसा, मिलजुल के रहना चाहिए ना। हाँ हाँ मेरी बहन, बैठा इतनी बैठा। तौबा तौबा, कितनी बदतमीज बहू है तुम्हारी, बड़ी बर्दाश्त वाली औरत हो तुम। पर ना आजकल कौन इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करता है, कैसे बाहर वालों के सामने आपकी बेइज्जती करके गई है वो। कौन बाहर वाला? मैं और कौन, कैसे मेरे सामने आपको नीचा दिखा के गई है। अगर कोई और सास होती ना, अकल ठिकाने लगा देती। लेकिन आप फिकर ना करें, मैं जाके समझाती हूँ ना। हाँ हाँ तू समझा जाके, जो नहीं ना समझी तो मेरी तरफ से रख रख के दो चुपड़े करानी है। तू फिकर नहीं कर, मैं उसको ऐसा समझाऊंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप अंदर कैसे आई? चल के। आप मुझे जानती तक नहीं है? क्यों नहीं जानती, तुम बहू और वो सास है। मैं खूबसूरत हूँ। ओहो हो खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा, सास खरी खरी सुनाती है तुम्हें। वो आदत है उनकी। एक बात कहूँ, उनके सामने मैंने तब नहीं कहा, वो बड़ी है ना, कहीं माइंड ना कर जाए। कौन सी बात? वैसे तुम्हारी सास को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? तुम्हारे जाते ही कहने लगी इसको मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। क्या मतलब? बड़ी भोली हो मेरी तरह, सास के कहने पे मेरे शौहर ने भी दूसरी शादी कर ली थी। सुबह शाम कांटों पे लौटती हूँ, तुम बर्दाश्त कर लोगी? क्या कांटे? नहीं। मुस्तकीम जी फरमाइए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ मुस्तकीम। सच? मुझ, मेरा शोहर बहुत जालिम है, मैं और आप दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मगर हमारी कश्ती तो अब डूबने ही वाली है। वैसे आप ये कश्ती डूबने से बचा सकते हैं। वो कैसे? आप अपने हक के लिए आवाज उठाए ना। जी बिल्कुल, हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान चौक जाके नारा लगाएंगे। ठीक है ना मुस्तकीम? बबर्ची खाने के काम छेती छेती नमटा लो, वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े गंदे हुए हुए हैं बहुत। जी बेहतर, जो हुक्म आपका, जो जी बेगम। नबील अब पानी मेरे सर से ऊपर हो चुका है। जानू मुझे खौफ इस बात का है कि तुम कहीं डूब ना जाओ। शट अप नबील, तुम्हें पता है माँ जी ने मुझे क्या कहा? अरे ऐसा क्या कह दिया खूबसूरत ने कि तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो? उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, इस उम्र में सारी घर का काम मुझसे करवाती है। हाँ वैसे इस उम्र में ना तुम्हें अब घर के कामों से छुट्टी मिल जानी चाहिए, बूढ़ी हो गई हो तुम। मैं कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं हूँ, आज भी पूरे पिंड में मेरे वर्गा भंगरा कोई नहीं डालता। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अब भी घर के कामकाज करने के लिए फिट हो? बात घर के कामों की नहीं है नबी, माँ जी हर वक्त मेरी इंसल्ट करती है। अरे जानू क्या हो गया यार, मेरी माँ यार चार बातें सुनाती है तो क्या हुआ, सुन लो। मुझे नहीं सुननी यार, तुमने सुनी है तुम सुनो, और तुम्हें अगर फर्क नहीं पड़ता ना तो मैं जा रही हूँ पापा के पास। अरे नहीं जानू, मुझे ही तो फर्क पड़ता है यार। माँ जी की जुरत कैसे हुई है कि वो तुम्हें बातें सुनाए यार, अगर सुना नहीं था तो कोई जोक सुना देती, गुनगुना के सुना देती। अच्छा इतनी बदतमीजी की है खूबसूरत ने, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया
तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी नबील से बात करता हूँ। एक मिनट, मेरा ख्याल है लॉन में चल के लड़ते हैं, क्योंकि खुली फिजा में लड़ने का मजा ही कुछ और है। चला फिर वहां चल, आज वो आज हो आज हो। नबील, तुम समझा लो अपनी बीवी को, मेरी बीवी से तभी सवाल किया करे। अरे आप ही समझाएं अपनी बीवी को, मेरी बीवी को बातें मत सुनाया करें। मेरी बीवी तुम्हारी माँ है। अरे ये मेरा मसला नहीं है भाई, समझाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। तो फिर मैं भी अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। कहीं ऐसा ना हो महमूद साहब कि आप दोनों को घर के बाहर खड़ा होना पड़ जाए, क्योंकि ये घर मेरी बीवी के पैसों से चलता है। नबील, तुम ही तो ना गिर जाओगे। अरे गिरेंगे तो आप जब इस घर से बाहर जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, तब आपको याद आएगी चांद जैसी बहू। अरे तुम कब से खूबसूरत की तरफ हो गए भाई? जब से उसने लाहौर की टिकटें कराई हैं तब से। नबील यार, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। क्यों अच्छा नहीं कर रहा? तो टेक टू कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं सीन। अरे मैं सीन की बात नहीं कर रहा। और यार मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाएं जाके माँ जी को समझाएं। वरना? वरना क्या? वरना? हाँ क्या वरना? वरना आप मुझे हाथ लगा के दिखाएं। तुम पहले लगाओ मुझे हाथ। नहीं नहीं, आप हाथ लगा के दिखाएं मुझे। अरे आप दिखाएं। अरे अरे भाई कह दिया सो कह दिया, हम नहीं लगाएंगे वॉशिंग मशीन। ना तू नहीं लाएगा तो तेरा प्यो लाएगा, कपड़े कौन धोएगा? और तेरा दिमाग तो ठीक है मुस्तकीम? अरे जॉजी बेगम, एक दफा धो के तो देखिए, इतना मुश्किल काम नहीं है कपड़े धोना। अच्छा मुश्किल नहीं है बच्चू? मुश्किल तो मैं अब बनाऊंगी तुम्हारे लिए मुस्तकीमिया, अब से तुम सारे कपड़े हाथ पे धोगे, नो मशीन। बेगम! अरे भाई तुम लोग भी लड़ रहे हो। और कौन लड़ रहा है? वो आपके किराएदार नहीं है? दोनों बाप बेटा लड़ रहे थे, एक दूसरे के मुंह चढ़ रहे थे। अच्छा वो क्यों? अरे भैया वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा जाके अपने मालिक मकान को देखो, उनसे कुछ सीखो, कितने मुअज्जिब लोग हैं वो। वो तो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लग गए, सुनने को तैयार ही नहीं थे। तौबा तौबा, क्या बुराइयां की आप लोगों की उसने। क्या जिसे देखो उसका दिमाग खराब हुआ हुआ है। मुस्तकीम चलो, मैंने छड़ना नहीं है इनको, अभी खबर लेती हूँ। अरे जॉजी बेगम, पहले तो वादा फरमाइए कि कपड़े हम वॉशिंग मशीन में धोएंगे। ओए चुप ओए तू, पहले मनु सोचन देखी करना है। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने पापा के पास ही रहूंगी अब। ओए हमें भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ रहने का, मैंने अपने पुत्र का दूसरा ब्याह करा देना है। अरे पहले अपने पुत्र से पूछ तो लो। नहीं माँ जी, अब मैंने खूबसूरत के अलावा किसी को कबूल नहीं करना। वैसे तू तो मजा रहता था दूजे विवाह के लिए। माँ जी, मेरी मासूम बीवी और मेरे प्यारे पापा जी को मेरी जरूरत है। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का। और तुम लोग भी जाओगे इनके साथ, क्योंकि मैंने अब इस घर में कोई किराएदार रखना ही नहीं होगा, और तुम जैसे भूखों को तो रखना ही नहीं हो बिल्कुल। जा रहे हैं हम लोग भी अपने गांव वाली हवेली में। माँ जी आपने तो मुझे बताया ही नहीं था कि गांव में हमारी कोई हवेली भी है। और जाने से पहले पैसे दे के जाना मेरे, 3 लाख रुपए निकलते हैं तुम लोगों की तरफ। वो ना तो इस चुड़ैल के प्यो से ले लेना। हमसे क्यों? आप लोग भी तो रहते रहे यहाँ पे। इश्फाक देखें कैसी वो चला रही है। नबील यार समझाओ इन्हें। माँ जी, महमूद साहब। नबील, महमूद साहब अपनी हाथ रे 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 पीछे हटो मोहतरम तेरी है। अरे बेटा मैं बड़ी दुखी हूँ, मगर तुम्हारी सास की बातें तुम्हारे बारे में सुन सुन के ना मैं अपने सारे दुख भूल गई हूँ। बड़ी बर्दाश्त है बेटा तुम्हारी, बड़ी बर्दाश्त है। क्या क्या बातें की हैं उन्होंने तुम्हारे बारे में बता नहीं सकती। जी बिल्कुल बताइए। इन्हीं बातों से तो घर टूटते हैं। और इधर आना बात सुन। कुछ समझ आया नबील? महमूद साहब ये तो हमारे साथ गेम हो गई यार। अब हम गेम करेंगे। किसके साथ? जोजी और मुस्तकीम के साथ। आए श-
शुक्र है मुस्तकीम, ये भूखे नंगे लालची लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे, हमारी जान छुटेगी। अब जो किराएदार रखने हैं ना, देखभाल के खौन दानी लोग रखने हैं। मोमो, टैक्सी नहीं मिली भाई। हाँ तो जहाज मतलब नबील, टैक्सी नहीं मिली तो रिक्शा तो ला सकते थे ना। माफ कीजिएगा, आप लोग यहाँ से जा रहे? अजी हम कहीं नहीं जा रहे, दरअसल हमारे किराएदार जा रहे हैं। आपकी तारीफ। मैं आपका पड़ोसी हूँ असलम, मुझे पता चला मेरी बीवी यहाँ थी रक्षी। हाँ जी हाँ जी, आई थी, आज तो पूरे एपिसोड में इधर ही थी वो। माफ कीजिएगा, मेरी बीवी की आदत है इधर की उधर करने की, सारा दिन यही कानून का लड़ाइयाँ करवाना, यही टाइम पास है उनका। चंगा टाइम पास है ये। रक्षी की तरफ से मैं आप सबसे माजरत करता हूँ, मुझे अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। चलो भाई, उच्चे नीवे होके निकलो, सामान फड़ते निकलो एथू। अरे अब क्यों जाएंगे हम, ये सब तो रक्षी बाजी की वजह से हुआ था, वरना तो हम सब में बड़ा प्यार है भाई। बड़ा? अच्छा तो कहाँ है वो प्यार? आए मेमू साहब, हम इन्हें अपना प्यार दिखाएं। वो जो हमने इन्हें दिखाना है वो प्यार है। हाँ जी। आजा जी। माँ जी बहू को जब पीड़ा ले। मुस्तकीम भाई, हमारा क्या कसूर इसमें? मुस्तकीम चल यार, चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं।